हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं आज एक नया मतलब ट्रेंड के बारे में, आज एक नया प्रॉब्लम के बारे में, आज एक नया मतलब बॉलीवुड के बारे में। क्योंकि अब सबको पता है कि लाल सिंह चड्ढा का क्या हालत हुआ, रक्षाबंधन का क्या हालत हुआ, इससे पहले दोनों मूवी का क्या मतलब हो रहा था, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, बॉयकॉट रक्षाबंधन, और इसमें एक ये बात आ गया कि अब बॉयकॉट विक्रम बेदा होने लगा। दरअसल ये बात है कि कल ऋतिक रोशन ने लाल सिंह चड्ढा मूवी देखी और उनको वो मूवी बहुत अच्छा लग गया, बहुत ही पसंद आ गया, और एक ट्वीट करके बोल दिए कि लाल सिंह चड्ढा मूवी एकदम दिल को छूने वाली है और वो बहुत ही अच्छी लग रही है मूवी, आप लोग भी जाके ये मूवी देखें। उसके बाद से क्या मसला होने लगा कि बाइकॉट आपकी अगली फिल्म जो आने वाली है विक्रम बेदा वो नहीं देखेंगे, ऐसा ऐसा ट्वीट करने लगे पब्लिक के। मतलब इससे पहले जो इसका ओरिजिनल जो मूवी है उसी को हिंदी में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं, तो इस पे पैसा क्यों वेस्ट करें हम लोग? और आपने कश्मीर फाइल के सपोर्ट नहीं किया, आपने लाल सिंह चड्ढा का सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही वगैरह वगैरह बात यहाँ पर मतलब ट्वीट पर होने लगा, बाइकॉट विक्रम बेदा हो रही है। तो ओवरऑल ये बात है कि अभी ये बॉयकॉट जो गए हैं वो भारी पड़ने लगे हैं बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि जो हालात मतलब लाल सिंह चड्ढा का हो रही है, हालांकि बहुत सारे पब्लिक इस मूवी को अच्छा बता रहे हैं लेकिन कलेक्शन के मामले में एकदम कमती है, ये मूवी मतलब शायद बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी जिस हिसाब से इसका कलेक्शन आ रही है। आज बड़ा दिन है, हालांकि आज कुछ अच्छा खासा उसका कलेक्शन आने वाला है, कल से इस मूवी का बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है। जो एक कमती बजट की मूवी है कार्तिकेय 2, वो एक अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, तो इसके वजह से मतलब ये हो गया। अब जो बोलते हैं ना, उड़ती तीर को मतलब ले लिए हैं, मतलब ऋतिक रोशन, उड़ते तीर उन पर भारी पड़ गया है। तो आप लोग क्या लगता है कि उनको कमेंट मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए कि ये मूवी अच्छी है आप लोग देखने जाओ, या क्या मतलब आप लोग बोलना चाहते हैं आप लोग कमेंट में बता सकते हैं? क्योंकि ये जो बॉयकॉट चल रही है ना, ये बहुत बॉलीवुड को ले डूबेगी हमको लगता है, क्योंकि जो कोई भी मूवी अगर अच्छा कलेक्शन नहीं करेगी, अगर कोई किसी को तारीफ कर रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फिर बहुत एक बड़ी मुश्किल को सामना करना पड़ सकता है शायद बॉलीवुड को, क्योंकि कोई भी मूवी अगर कलेक्शन नहीं करेगी तो मुश्किल होना ही है। लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि हाँ, अगर कोई किसी ने बाइकॉट किसी ने किसी मूवी को तारीफ कर दी तो उसके बाइकॉट करना ये ज़रूरी है, हमको ये ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अपना अपना पसंद है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा भी पब्लिक हैं जो बोलते हैं लाल सिंह चड्ढा को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो उस मूवी को रिव्यू किए हैं, अगर वो देखे नहीं थे तो रिव्यू कैसे किए हैं? नंबर एक में मतलब ये बात है, देखें तभी तो मतलब रिव्यू किए हैं। तो ये आप लोग सोचिए, आप लोगों को क्या लगता है, बाइकआउट करना चाहिए विक्रम बेदा का या नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मैंने बताया। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड ये चैनल नया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को सपोर्ट का बहुत ही ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।